الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم सबसे पहले अल्लाह जल्ला शानहु की तारीफ हो जो हर किसी की तारीफात कर आया है, तमाम नबियों पर खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम का पेशवा रफा हो, जिनके जरिए से इस्लाम जैसी हसीन नेमत हम तक पहुंची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आज जिस मौजू पर मुझे बात करनी है वो मौजू है क्या कयामत करीब है। ये मौजू इसलिए मैंने अख्तियार किया है कि आज जो दुनिया के हालात हैं वो हम सबके सामने हम देख ही रहे हैं। ये हालात देख करके बहुत सारे लोगों के जहनों में यही बात आती है कि अब बस कयामत बिल्कुल करीब, और सोशल मीडिया वगैरह पर आप कितने वीडियोस ऐसे देखते हैं, कितने लोगों के ख्याल आप सुनते हैं कि जो कहते हैं कि बस सन 2023 में कयामत आ जाएगी, मेरे हिसाब से 25 में आ जाएगी, कोई दावा कर रहा है कि इमाम मेहदी की आमद आमद बिल्कुल करीब है, बस इमाम मेहदी के आने का बिल्कुल हो गया है, वो आने वाले हैं। तो ये सारी बातें जब सुनते हैं और इस किस्म की बातें जब सुनते हैं तो जाहिर सी बात है सवाल यही आता है कि क्या कयामत करीब है। और इसीलिए मैंने इस सवाल का जवाब देने के लिए जो है इस मौजू को इस मुआन को मुंतखब किया। तो इसका जवाब यह है, पहली बात तो यह है कि पिछली उम्मतों के बिल मुकाबिल, इस बात को गौर से सुनिए, पिछली उम्मतों के बिल मुकाबिल उम्मत मुहम्मदिया से कयामत करीब, इसमें कोई शक क्योंकि जाहिर सी बात है पिछली उम्मतों का मतलब यह था कि भाई नूह अलैहि सलाम की उम्मत के बाद किसी और की उम्मत आने की बात थी, फिर उसके बाद कोई और नबी, फिर उसके बाद कोई और नबी उसकी उम्मत, कोई और नबी उसकी उम्मत, लेकिन अब उम्मत मुहम्मदिया के बाद ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब उम्मत मुहम्मदिया के बाद कयामत थी, कोई और उम्मत आने की चांसेस है ही नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन बनाकर भेजे गए, नबियों के खातिम आखिरी नबी, अब आपके पास कोई नबी रसूल तो आने वाला नहीं है कि कोई और उम्मत आएगी, कोई और इस्लाह करने वाला आएगा, नहीं। तो और उम्मतों जो दूसरी भी उम्मतें थे, जो गुजर चुकी उम्मतें, उनके मुकाबले में देखा जाए तो उम्मत मुहम्मदिया से कयामत जो है करीब। और इस सिलसिले में मैं एक कुरान की आयत आपको सुनाऊंगा, एक हदीस सुनाऊंगा, गौर से सुनिए, दलील के तौर पर सूरह अंबिया की आयत नंबर फर्स्ट है, पहले आयत नंबर दो, एक आयत नंबर पहली आयत अल्लाह ने फरमाया इक्ताब लिन्नास हिसाबहुम वहुम फी गफलतिन मुहरिजून। ये बात अल्लाह ने कब कही? 1400 साल पहले जब कुरान की तक नुज़ूल हुआ उस वक्त अल्लाह ने ये बात कही कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया लेकिन लोग गफलत में पड़े हुए हैं। कब अल्लाह ने बात कही? इतने सौ साल पहले अल्लाह ने कहा कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया, यानी कयामत का वक्त करीब आ गया, लेकिन फिर भी लोग उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, कोई आदमी बोले ना इतने सौ साल पहले थे अभी तक नहीं है। तो अल्लाह ताला के कहने का मतलब यह है कि अब आखिरी नबी हमने भेज दिया है, और आखिरी नबी भेजने का मतलब है कि
उसके बाद कोई नबी रसूल आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर ये बात सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा कहा, ऐसा इशारा किया कि बीच वाले हुई और ये शहादत हुई, ऐसे उठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं और कयामत ऐसे देखे गए हैं। समझो बस करीब करीब, अब इस करीब करीब में कितने सौ साल है वो अल्लाह को पता, वो अल्लाह को मालूम, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं और कयामत ऐसे भेजे गए हैं, लेकिन इस बीच में कितना फासला है वो अल्लाह को बेहतर मालूम, किसी को नहीं पता। कयामत देखिए कब आएगी किसी को नहीं पता। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा जिब्रील अलैहि सलाम आए, बड़ी मशहूर हदीस है इंसानी शक्ल में, और बहुत सारे सवाल किए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब भी दिए थे। उसमें एक सवाल जिब्रील अलैहि सलाम का ये भी था कि बताइए कयामत कब आएगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि जानते थे ये जिब्रील है इंसानी शक्ल में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस सवाल का जवाब पूछने वाले से ज्यादा मैं नहीं जानता, जितना पूछने वाले को मालूम है उतना ही सिर्फ मुझे पता, उससे ज्यादा मुझे नहीं पता। कयामत कब आएगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास। अल्लाह ने कुरान में इसका जवाब दिया, सूरह आराफ की आयत नंबर 187 पढ़िए, अल्लाह ने फरमाया यसअलूनक अन साअति अय्याम मुर्साहा, ऐ नबी लोग आपसे कयामत के बारे में सवाल करते हैं कि कयामत कब आएगी, कुल ऐ नबी आप कह दीजिए इन्नमा इल्मुहा इंदा रब्बी ला युजल्लीहा लिवक्तिहा, कि आप फरमा दीजिए कयामत का इल्म तो सिर्फ मेरे रब ही के पास है और उसे उसके वक्त पर वो साहिब कर देगा। कयामत में सिर्फ मेरे रब के पास है, जवाब दे दीजिए कब आएगी कुछ भी नहीं, सिर्फ जवाब दे दीजिए इसका इल्म मेरे रब के पास है और जब उसका टाइम आएगा तो मेरा रब उसको वाकई करेगा, तो कयामत कब आएगी अल्लाह ताला का मालूम। हाँ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत से पहले होने वाली निशानियां बतलाई कि कयामत से पहले ऐसी 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 निशानियां होंगी, और हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, हमारा यकीन है कि जब तक वो निशानियां जाहिर नहीं हो जाती हैं कयामत नहीं है। अब छोटी छोटी जो निशानियां थी वो सब तो जाहिर हो चुकी हैं, जैसे छोटी छोटी निशानियों से मुराद औलाद का नाफरमान होना है ना, बेहराई फहाशी गुनाह का कसर से होना, मर्दों की कमी औरतों की जाती होना, और इसी तरीके से सुलखोरी रिश्वतखोरी आम होना, जाहिलों का उलमा की जगह ले लेना, इस तरीके से छोटी छोटी निशानियां तो बहुत सारी हैं जो माशरे समाज के अंदर जाहिर, लेकिन जो बड़ी बड़ी निशानियां हैं कयामत से पहले आने वाली बड़ी बड़ी निशानियां हैं उनकी अभी शुरुआत ही नहीं हुई। जी हाँ, अभी शुरुआत ही नहीं हुई, चेक जाएगी कोई दावा करके कयामत दूर करी, इस मामले में करीब कह सकता है कि उम्मत मोहम्मदिया से कयामत करीब है, लेकिन फला साल में आता है कि यह दावा झूठा और दावा करने वाला झूठा है, गुनहगार लोगों को गुमराह कर रहा है, कल क्या होगा वो अल्लाह को बेहतर मालूम, किसी को कुछ नहीं पता। अब आप देखिए कयामत से पहले जो बड़ी बड़ी निशानियां हैं, दरियाए फरात से सोने का पहाड़ निकलेगा, निकला भी बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगा दिए नहीं वो सोने का पहाड़ निकलने से मुराद पेट्रोल डीजल है, उसको बहुत पहले निकल गया, किसने कहा इससे मुराद पेट्रोल डीजल, सोने का पहाड़ निकलेगा कहां निकला अभी तक, ईमान का हरमैन शरीफैन में पलट आ, ईमान कहां से फैला था, इस्लाम कहां से फैला था, मक्का मदीना से, दोबारा सिमट जाए सिमटा अभी नहीं सिमटा, जंगें होंगी अभी बहुत बड़ी बड़ी जंगें, इतनी बड़ी बड़ी जंगें होंगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आदमी के पास अगर 100 लड़के होंगे तो 100 लड़के 99 शहीद हो जाएंगे, सिर्फ एक बाकी बचे, लाशें इतनी दूर तक फैली हुई होंगी उन जंगों के अंदर, मजबूत बाजों वाला परिंदा उड़ते उड़ते थक जाएगा लाशों के ऊपर से, उसके बाजू टूट कर गिर जाएंगे लेकिन लाशें खत्म नहीं होंगी, सारी चीजें बाकी है, दज्जाल का आना,
ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, याजूज माजूज का खुरूज, पाकीज़ा हवा का चलना, मगरिब से सूरज का तुलू होना, अभी सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब हो जाता है, उल्टा होगा इसका अपोजिट। इसी तरीके से जमीन से एक जानवर निकलेगा तो बात करेगा, अच्छा आदमी उसके चेहरे को रोशन कर देगा, बुरा आदमी उसके चेहरे को सियाह कर देगा, ऐसा जानवर निकलेगा जमीन से, मक्का मदीना वीरान हो जाएगा, एक वक्त ऐसा आएगा पानी काला खा दिया जाए। ये ऐसी बड़ी बड़ी निशानियां हैं जो बिल्कुल कयामत के करीब जाहिर होगी, और अभी तो इस्लामी हुकूमत का आना बाकी है, अभी एक वक्त ऐसा आएगा पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लामी हुकूमत होगी, सिर्फ मुसलमान लोग होंगे, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ अच्छे लोग होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम का दौर 40 साल का दौर अभी तो कुछ आना बाकी है, और चल जाएगी कोई आदमी दावा करे कि कयामत बिल्कुल करीब आने वाली है। ये सारी मैं मुख्तसर जिक्र कर रहा हूं वक्त के लिहाज से, ये सारी चीजें अभी बाकी हैं, है ना। तो जब तक ये सारी चीजें नहीं हो जाती हैं कयामत नहीं है। अब आखिरी बात जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं और सबसे अहम बात, इस मौजू का सबसे अहम बात, ये सारी बातें दरअसल उसी बात के कहने के लिए है। वो आखिरी बात मेरी क्या है, देखिए मैं दो मिसालें आपके सामने रखता हूं। हमारे सामने दो ऐसे लोग हैं कि एक शख्स ऐसा है कि जिसने वीडियो सुन सुन करके इल्म इतना हासिल किया कि उसको पता है कि कयामत से पहले क्या क्या निशानियां होंगी, यहां तक कि उसने एक एक बारीक चीजों पर भी गौर कर लिया, कौन सा मुल्क कौन से हथियार तैयार कर रहा है, कब क्या होगा एक अंदाजा लगा रहा है, मेहनत कर रहा है उसके ऊपर, पूरा टाइम दे रहा है कयामत के बारे में जानने के लिए, कयामत की जानकारी हासिल करने के लिए पूरा टाइम दे रहा है, पूरा टाइम उसका इसी में खर्च हो रहा है। यानी कयामत की टॉपिक उसके सामने रख दी जाए तो उससे ज्यादा जानकार कोई नहीं। एक नौजवान ऐसा है, एक दूसरा नौजवान दूसरा भाई ऐसा है जो सिर्फ इतना जानता है कि कयामत कायम होगी, इसमें हिसाब किताब दिया जाएगा, और ये सोच करके वो बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, अच्छे काम करता है, अपनी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारता है, अल्लाह उसके रसूल ने जैसा कहा है वैसा गुजारता है, जितनी इल्म की जरूरत है उतना सीख करके बाकी अमल करता है। अब मुझे बताइए कयामत के दिन कामयाब कौन होगा, वो जो बहुत ज्यादा खाली कयामत कमाएगी, पूरी जानकारी हासिल कर लिया, बहुत पैसे मुबाइसा, वो कामयाब होगा, या ये शख्स जिसने कयामत की तैयारी की, कामयाब कौन होगा, कामयाब वो शख्स होगा जिसने कयामत की तैयारी की। तो बजाय इसके पैसे मुबाइसा की कयामत कमाएगी, ये अहम पॉइंट नहीं है, आपने कयामत के लिए क्या तैयारी की है वो अहम पॉइंट है। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, किताब बिल्मुसिला की, सहाबी आकर सवाल करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत कब आएगी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब नहीं दिया कि मियां कयामत फलां टाइम आएगी, ऐसा कर लो ऐसा कुछ भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कयामत के वास्ते तुमने तैयारी क्या कर रखी, सवाल क्या था कयामत कब आएगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब क्या दिया, तैयारी क्या की है, तो उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा तो नहीं, क्योंकि सहाबे का बहुत जो हमारे पास आज बहुत होगा ना, सहाबे का भी हजरत में बहुत थोड़ा होगा, सहाबी ने कहा बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन अल्लाह उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करता हूं, बहुत मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खुश हो जाओ, जिससे तुम्हारी मोहब्बत है ना तुम उन्हीं के साथ हो, ये है असली तैयारी, कयामत कब आएगी ये अहम चीज नहीं है, कयामत की तैयारी आपने क्या कर रखी है वो अहम चीज है ना। तो आज का मौजू था क्या कयामत करीब है, इसमें मुख्तसर सी बात मैंने आप लोगों के सामने रखी है, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तमाम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जरूरत के मुताबिक इल्म हासिल करने वाला बनाए, इल्म फैलाने वाला बनाए, और इल्म के मुताबिक अमल करने वाला बनाए, कसरत से अमल करने वाला बनाए, आखिरत की कयामत की भरपूर तैयारी करने वाला बनाए। आमीन। वाफ़ुर रहमान।